सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग वाली। और आज मैं फाइनली आफ्टर 10 or 12 डेज बैक आफ्टर आई एम कमिंग टू माय कॉलेज, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, आप सबको भी पता है। उसके बाद बहुत सारी छुट्टियां भी थी एंड फाइनली आई एम बैक आफ्टर 10 or 12 डेज। तो अभी चलते हैं कॉलेज, अब कॉलेज में मिलते हैं। तो भाई बहुत गर्मी है, मानना पड़ेगा। यहाँ बच्चे कैसे आ रहे हैं, मतलब क्या, मुझे मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ इसलिए मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद कॉलेज आकर, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हैप्पी फॉर दिस ऑल्सो। एंड गाइस ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे सैंडल, अल्हम्दुलिल्लाह। और धूप में ना और भी प्यारी सी प्यारी लग रही है। लेट्स गो टू द कॉलेज। और मेरी क्लास है आज, और मैं पता कितनी की बहुत लेट हो गई हूँ, 20 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो अभी देखते हैं, मैम एंट्री दे दी है नहीं, क्लास में पहुंच जाते हैं तो मैम दे देंगी, मैम बहुत स्वीट है यार। एंड गाइस बहुत दिनों बाद आने के बाद ऐसी सरप्राइज़ मिलता है। जैसे मैं क्लास में एंटर हूँ पता चला कि यार सरप्राइज टेस्ट चल रहा है। भाई साहब इस टेस्ट में मैं भी फंस गई और हो रहा है, यहाँ पे सब लोगों को ही सरप्राइज़ मिला है। तो बस सरप्राइज टेस्ट दे रहा है और बचपन की याद आ गई है। जैसे पहले हम स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में टीचर्स बस पहुँचते ही आज सरप्राइज टेस्ट है, तो बस हमारा भी सरप्राइज टेस्ट है। मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और फिर हम वापस जाए। सो गाइस मैं और शमा भी पूरे 10-12 दिन ये भी घर पे थी, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। सो गाइस तो ये व्लॉग ना सब लोग देखते हैं, हमारे कॉलेज में हमारा पूरा डिपार्टमेंट देखता है। तो बस अभी हम 15 दिन बाद यहाँ पर आए हैं और अभी देखो 1 घंटे की क्लास थी, अभी घर जा रहे हैं। सच बताओ तो गाइस हमारी ना हमारा डेट आ चुका है, मतलब आई मीन उसका डेजर्टेशन देने का, और हम टेंशन में मर रहे हैं लेकिन शक्ल पर नहीं दिख रही। शमा पे तो मुस्कुराते हुए, मैं भी मुस्कुराते हुए ऑलवेज। और क्या बताना था, और क्या अपडेट देना था, कॉलेज आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है खत्म हो जाए। यहाँ पे आने की बस सिर्फ टेंशन मिलती है, ये करना है वो करना है, ये कंपाइल करनी है वो कंपाइल करनी है, और होता कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ टेंशन मिलता है। कभी हम आए थे बहुत ही मन को मन क्या बोलते हैं, शांत करके आए थे, और यहाँ से हम बहुत बड़ा लोड लेके जा रहे हैं। और हमें पता है घर पे जाके इस लोड का बहुत ही बुरा भरपाया हमें करना पड़ेगा, मुझे और शमा के। और गाइस बहुत जल्दी हमारा ये जल्दी से डेजर्टेशन वगैरह कंप्लीट हो, ये मास्टर्स की डिग्री मिले और हम यहाँ से जाएं। जामिया बस याद आएगा और कुछ नहीं आ जाने वाला, ठीक है। और शमा भी बहुत भाव खा रही है। आज मुझे जाना है इफ्तार पार्टी में, इससे पहले मैंने सोचा इडली घर के लिए थोड़ा थोड़ा इफ्तार बना, मम्मी पापा को सबको हेल्दी खाना था, तो मैं बनाने जा रही हूँ इडली, और बस थोड़ी सा उसका वीडियो बना रही है। तो बस आप इन्जॉय कीजिए इडली की रेसिपी को। सो गाइस आज इडली के अंदर डालूंगी ये पूरी चने की दाल की, यहाँ पे चना रेडी हो रहा है और सिर्फ हमारा रेडी हो रहा है कीमा, और अभी सांभर बनाने के लिए हम कटिंग कर लेंगे चने की। तो मेक फॉर मेकिंग दिस सांभर इडली बैटर आई टुक सूजी, मैंने एक पैकेट सूजी लिया है इसमें, तो मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ दही कर्ड, उसमें पानी मिला के अच्छे से मिक्स किया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस, तो थोड़ा सा चना और दाल थोड़ा सा अच्छे से फ्लेवर आता है, फ्राई हो जाएगा तब डालेंगे इसको। बहुत अच्छा लगता है राइस, सब्जी आप ऐसा कुछ बना रहे हो ना, तो मैं बहुत इंस्टेंट वाला बना रही हूँ इडली, बहुत यानी यानी इडली मेरा बहुत होगा मेरे कुकेट फ्राई हो गया अच्छे से, तब हम इसको चने डाल देंगे, ध्यान देंगे खाला हो जाता है बहुत जल्दी होना। कर दिया मिक्स इट और अलॉट विंडो कट दीज कोरिएंडर लीव्स एंड विल ऐड इन इट, दिस कट एंड देन कट करने के बाद। सो गाइस मैंने इसमें अपना धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है। लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम यूजिंग दिस बेकिंग सोडा फ्रॉम विकी फील्ड विच इज़ वेरी गुड ब्रांड, तो अभी मैं इसके अंदर से डालूँगी बेकिंग सोडा टीस्पून, थोड़ा सा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर इन दिस, आई एम गोइंग टू मिक्स इट ऑल, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है पूरी बैटर को। आई एम गोना
वाटर मिक्स, यहाँ मैंने पानी भी चढ़ा दिया है। दिस इज द वाटर गोइंग टू बॉइल। और मेरा जुगाड़ू वो है इडली मेकर। अभी बस सो गाइस, दिस इज माय इडली मेकर। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस। मैं थोड़ा सा ऑयली कर दिए ताकि बैटर होगा वो चिपकेगा। And this is the batter pack, get ready. And guys, batter को मैंने प्लेस कर दिया है इडली मेकर के ऊपर। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी और मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाता है। एंड यकीन मानिए, इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। इट्स कॉल्ड इंस्टेंट इडली। आई डोंट नीड टू सोक इट ओवर नाइट, पूरी रात के लिए बनाओ भी वो ये सब नहीं, ये मेला नहीं करना। बस फटाफट बना लेना है और बस सर्व कर देना विद चटनी एंड सांभर। तभी सांभर भी मैं रेडी करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। Here I'm making authentic sambar. You can see the sambar is also ready. And guys, उसके बाद मैं रेडी हो गई अपने दोस्त के वहाँ तार पार्टी के लिए, तो बस चलते हैं वहाँ पे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग वाली। और आज मैं इतना तैयार वगैरह होकर जा रही हूँ अपने बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के वहाँ पे, और मेरी जामी की बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसके वहाँ जा रही हूँ इफ्तार पार्टी के लिए। और वहाँ पे इफ्तार की पार्टी होने वाली है, बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड बस चलते हैं। और उसकी माँ जो उसका घर है वो है बटला हाउस में, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। और टाइम भी आप देख सकते हैं, 6:30 होने में अभी 15 मिनट्स बचे हुए हैं, तो मुझे जल्दी से निकलना है और बस पहुँच के वहीं मिलती हूँ। तो दिस इज़ माई आउटफिट विच आई हैज़ ऑलरेडी मेड इन माई ब्रदर्स वेडिंग। तो अभी मैंने इसको पहना नहीं है, बहुत कम बार ही पहना है, तो मैंने इसके साथ गोल्डन हिजाब लगाया एंड गोल्डन दुपट्टा एंड बस रेडी हो गए हैं और चलते हैं, आपसे मिलेंगे भाई। एंड गाइज, इफ्तार में बहुत कुछ बनाया था मेरी फ्रेंड ने और माशाल्लाह पूरा दस्तखान भरा हुआ था। और उसने सब कुछ अपने हाथ से बनाया था, विच वॉज़ वेरी गुड थिंग। और बोलती है मुझे नहीं आता। और ये देखिए, उसने चिकन नगेट्स बनाए थे, विच वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी। और साथ में जो उसके सिस्टर थे, उसने बनाया था लॉलीपॉप, विच वॉज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी। वो भी ओवन में बनाया था, साथ में भजिए थे, फ्रूट सैलेड था, बहुत सारी चीज़ें थे भाई, सब मज़ा आ गया। उसके बाद बहुत यम्मी सी चाय पी उसकी मम्मी के हाथ की, जो कि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद बहुत सारी एस्थेटिक फ़ोटोज़ वगैरह ली और रील वगैरह बनाई और बहुत इन्जॉय किया गाइस। एंड गाइस, उसके बाद खाने में भी बहुत यम्मी सी बिरयानी, साथ में दही भल्ले, भाई साहब बहुत यम्मी बिरयानी बनाई थी मम्मी ने। और बस बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द पार्टी। और इफ्तार पार्टी में ऐसे बुलाते रहो भाई साहब, इन्जॉय करेंगे हम भी। और एस्थेटिक डेकोरेशन करके हमने वहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी और भाई इतना प्यारा डेकोरेशन हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड गाइस, यहाँ पे हम प्लेटिंग कर रहे थे बिरयानी की। और भाई साहब, प्लेट में पहले बिरयानी निकाली दबाकर, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज़ थी उसको भी डाला, और प्लेट भी इतना अच्छा था, मतलब एक अलग ही ना यहाँ पर प्लेट वगैरह बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी क्रॉकरी सेट जो मेरी फ्रेंड के वहाँ गए थे, मज़ा आ गया, बहुत इन्जॉय किया। और भाई इसका घर इतना प्यारा लगा, ये देखो चटनी, रेड वाली चटनी, फिर ग्रीन वाली चटनी। और जो मेरी फ्रेंड थी भाई साहब, वो तो मेरे सपोर्ट में बैठी थी, चल भाई आराम से बना लेते अपनी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट ऑल्सो, और इस इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और हमें इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद गई जहाँ से फ्री होने के बाद मैं चली गई, मम्मी को बुला लिया था मैंने बटला हाउस। एंड गाइज, आज बहुत सारा काम था हमें बटला हाउस में, तो बस देखते हैं क्या क्या निपटा पाएंगे हम, क्योंकि ईद आने वाली है और हमें अपने होम टाउन के लिए भी निकलना है गाइज, तो वो भी आपको दिखाएंगे सबको व्लॉग में। और सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पर लिया अचार, भाई साहब इनके अचार बहुत टेस्टी होते हैं, घर पर बनाते हैं, बिल्कुल होम मेड वाला फील आता है। उसके बाद मम्मी के साथ एक शॉप पर आए, वहाँ पर मम्मी की बार्गेनिंग देखे तो ऐसा लगा भाई मुझे सच में कोई बार्गेनिंग नहीं आती, भैया जो बोलते हैं शॉपकीपर उतने में लेकर आ जाती हूँ। भाई क्या करें, मम्मी लोग होते ही ऐसी हैं भाई, अगर 500 बोलेगा तो 300 का कराएंगी, चाहे 500 का सूट लेने आई हो लेकिन 500 बोल दे तो 300 का कराएंगी। तो बस ये लोग ऐसे अड़ जाती हैं और ये ले भी लेती हैं और हमारा कट जाता है। तो बस मैं मम्मी से तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर पाती हूँ। इनफैक्ट सब लोग कहते हैं कि सरोजनी में जाकर बार्गेनिंग करो, हो जाती है, मेरे से वो भी नहीं होती। मैं सरोजनी में भी जितना बोलता है ना उतना ही दे के आ जाती हूँ, बस मुझे आती नहीं है, मतलब मुझे कटवाना बहुत पसंद है अपना। अब क्या करूँ, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे मम्मी ने अपने मॉल में जितना भी बोला और उसको फाइनली ख़रीद लिया सूट। और अब हम जा रहे हैं आगे, तो हमें और काम है गाइज। हमेशा की तरह यहाँ दोबारा भीड़ है लखनऊ चिकन हाट पे भाई साहब, और पूरा लखनऊ चिकन हाट की बोले पूरा ही बटला उसमें भीड़ है। उसके बाद हम चले गए लेस की शॉप पे, यहाँ पे लेस की शॉप पे भाई जाने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ भी मैचिंग नहीं होता, लेकिन फाइनली मुझे कुछ मैचिंग मिल गया और मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी ख़रीदा। और मैं और मम्मी यहाँ से चले गए दूसरी शॉप पर जहाँ पर मम्मी को लेना था कुछ ज्वेलरी। और भाई ज्वेलरी की शॉप पे अच्छा,
ये मेरी हालत है कपड़ों की, शॉपिंग मम्मी की शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है, अभी और लेंगे शॉपिंग और करेंगे। एंड गाइस ये मेरी बहन के लिए इसकी ईद ही, ईद मुबारक। पीछे का ड्रॉल खोल के रखा है तुमने अपनी। And this is her Eid outfit. Wow, so pretty. बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। Thank you. चलो पहन के दिखाओ बेटा। बस ये बोल के ना पहन के दिखाओ। हाँ, थक गई। बहुत सुंदर माशाल्लाह। मम्मा ने पसंद किया है। कितना अच्छा। अम्मी कैसे बना ली? और ये मेरी मम्मी है। मम्मी दीजिए थोड़ा नूरिन को गिफ्ट। नूरिन का ड्रेस। और ये मेरे लिए मेरा भी क्यूट मम्मी लेकर आई है। सो सुंदर माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। बहुत क्यूट है। ये देखिए गाइस, ये वाली सूट भी लेकर आ गए हम। मम्मी ने एक एक सूट दिलाया हम लोग। थैंक यू। चलो खोलो। ऐसे कहेंगे मेरा अच्छा नहीं है? मेरा बहुत सुंदर है। मम्मी बोली मेरा बहुत सुंदर है। वाओ कितना अच्छा है यार। फैब्रिक देखो इसका कितना अच्छा है। यही ये दाग लगा है। अभी पहनो। ये टाइट होगा। ये देखो बहन, अभी में टाइट होगा पक्की बात। नहीं बहुत अच्छा आ रहा था, फिटिंग अच्छी। So guys, thank you मम्मी। ये मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे दिलाया। शॉप पे कह रही चलो बेटा रहने दो, तुम लोग मेरी तरफ से ले लेना। वाओ मम्मी कितनी प्यारी। और ये तुम्हारा, चलो ये भी पहन के दिखा दो मम्मी को। नहीं नहीं ये अलविदा में। और देखो इसका कपड़ा, पैंट पजामा फ्लैपर है। वाओ मतलब ऑब्वियसली मैं भी पहनूंगी बाद में। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्राइस विल नॉट बी रिवील्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी सिंपल अच्छा है ना? हाँ ये कोई वो नहीं है ब्रांड। अच्छा, ये पूरा वो है। हाँ सिला हुआ गेरुआ ब्रांड का। सो गाइस ये देखिए, ये मम्मी ने जो है ना प्राइस रिवील कर दिया जिसका मुझे रेट बताना नहीं होता, ये मम्मी प्राइस बता देती है। तुम तो व्हाइट लेके चला लोगी। एंड गाइस जो आपको ये दिखता है ना फोटो शूट, उसके पीछे इतनी सारी मेहनत चलती है। ये देखिए ये मेहनत, मेरी बहन की मेहनत। यहाँ का पूरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं और घर की गंदगी भी आप देख सकते हैं। ऐसी गंदगी भाभी मेरी एक्स्ट्रा तैयारी कर रही है। और मेरी भाभी जो है ना वो भी लगी हुई है इस काम में क्योंकि वो जानती है। लेकिन क्या मस्त हम तैयार हुए हैं वहाँ पे सेटअप। तो ये जो रील दिखती है ना, रील के पीछे का वीडियो गाइज, इसके बाद हमने सहरी की और सहरी करके सो गए। मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।